थिएटर में आपका स्वागत है और एक और नया मैं अपनी ट्रेन ब्लॉग लेके आ रहा हूँ और जिस ट्रेन में हम सफर करने वाले हैं उसका नाम है रीवा मदल महल इंटरसिटी। अभी इसका नाम रीवा जबलपुर इंटरसिटी हो रहा था बट इसको और एक स्टेशन और आगे बढ़ाया गया है, तो आइए इसमें आप सफ़र करते हैं और आप सारी स्टेशन के बारे में जानकारी देते हैं, तो आइए सफ़र करते हैं। जिस ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं आज की अपनी जबलपुर की यात्रा, वो रीवा चलती है 02290 रीवा मदन महल इंटरसिटी के नाम से और वापस जबलपुर से आती है मदन महल रीवा इंटरसिटी 02289 के नाम से। और ये एक इंटरसिटी एक्सप्रेस है और इस समय इसको COVID-19 स्पेशल बना के चलाया जा रहा है। इस ट्रेन में 6 कार के 11 कोच हैं जिनको हम लोग डी के नाम से बुलाते हैं, D1 to D11, और AC चेयर कार का यहाँ पे एक कोच है और जनरल की 4 कोच हैं जिनको भी आजकल रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में चलाया जा रहा है। अब हम पहुँच चुके हैं सतना स्टेशन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सतना स्टेशन है और इसका कोड है STA और यहाँ से मुंबई हावड़ा लाइन निकलती है जो कि इलाहाबाद में जिसका जंक्शन है और दूसरी लाइन यहाँ से जाती है रीवा की ओर। ये 2 लाइनें यहाँ से जाती हैं और ये बहुत ही बिजी स्टेशन है यहाँ का सतना स्टेशन। इधर की ओर इलाहाबाद लाइन जाती है और इधर मुंबई लाइन जाती है और ये बहुत ही विंड का सबसे बिजी स्टेशन सतना है। यहाँ से जबलपुर भोपाल दिल्ली को कई गाड़ियाँ जाती हैं, इसमें फेमस गाड़ियाँ हैं रीवा आनंद विहार महाकौशल और कई गाड़ियाँ जाती हैं। हम आ चुके हैं मैहर, ये देख सकते हैं मैहर स्टेशन, माँ शारदा की नगरी कहे जाने वाला मैहर और ये एक शक्तिपीठ है, ये माँ शारदा का शक्तिपीठ है। मैहर स्टेशन का कोड है MYR और इलाहाबाद जबलपुर रूट की और आगे इटारसी रूट की कई गाड़ियाँ यहाँ पर स्टॉपेज हैं उनके और ये एक मेजर स्टेशन है। अभी वीडियो आप बनाएंगे जब मैहर माता के दर्शन करने जाएंगे माँ शारदा के, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। माता सती ने जो अपने कई टुकड़े करे थे वो सारे शक्तिपीठ बने थे, उसमें से एक शक्तिपीठ मैहर शक्तिपीठ है। और ये ट्रेन से हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा लेट चल रही है ट्रेन और वीर आला उधर क्योंकि माता के दर्शन करने डेली आते हैं सुबह। आगे हम माता शारदा का वीडियो बनाएंगे मैहर में, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए आप और जल्दी वीडियो अभी आएगा। और अभी इंजन हो चुका है हरा और हम चलते हैं आगे। चुके हैं कटनी जंक्शन, आप कटनी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 और टाइम हो गया 8:37 और ट्रेन शायद अपने टाइम पे ही चल रही है। और ये कटनी जंक्शन जो है यहाँ पर कटनी जंक्शन यहाँ पर 2 से 3 स्टेशन हैं, एक कटनी साउथ, एक कटनी मुड़वारा और ये एक बड़ा जंक्शन स्टेशन है। कटनी मुड़वारा से भोपाल की ओर ट्रेनें जाती हैं और कटनी साउथ से आपकी ट्रेन शहडोल की ओर जाती है और ये कटनी जंक्शन है जो कि सबसे पुराना जंक्शन है। यहाँ से जबलपुर और इलाहाबाद की ओर सारी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, जो भी बड़ी रेलगाड़ियाँ सब रुकती हैं और इस समय कोरोना के समय यहाँ पर कई गाड़ियाँ कम हो गई हैं। आप देखिए स्टेशन में काफ़ी चहल पहल है रीवा और सतना के मुकाबले यहाँ ज़्यादा नहीं। पहुंच चुके हैं जबलपुर स्टेशन, अब देख सकते हैं जबलपुर जंक्शन है और ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है और इंटरसिटी एक्सप्रेस से हम रीवा से जबलपुर पहुंच चुके हैं और अब हम आपको यहाँ पे घुमाएंगे, जबलपुर दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं।